नमस्कार, स्वागत है आपका। इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दक्षिण चीन से आ रही है। यहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, बोइंग 737 का, जिसमें 133 यात्री सवार थे। जी हां, दक्षिण चीन में ये विमान हादसा जिसमें 133 लोग सवार थे। चीन के मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है जिसने क्रैश की पुष्टि की है। पहाड़ के ऊपर से उड़ रहे विमान में लगी है आग। बोइंग 737 ये विमान बताया जा रहा है जो हादसे का शिकार हुआ है। इसमें 133 यात्री सवार थे। चीन के गुआंगशी इलाके में ये बड़ा विमान हादसा, 133 लोग इस बोइंग 737 में सवार थे। चीन के मीडिया के हवाले से हादसे की पुष्टि हुई है। दक्षिण चीन का ये गुआंगशी इलाका जहां पर ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, विमान में 133 यात्री सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बोइंग 737 हादसे का शिकार हुआ। हालांकि हादसे की वजह क्या थी इसके बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चीन के गुआंगशी में यह बड़ा विमान हादसा। चीन के मीडिया ने इस हादसे की पुष्टि कर दी है। गुआंगशी वो इलाका जहां पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ, हादसे की पुष्टि हो चुकी है। दक्षिण चीन में 133 यात्री इस विमान में सवार बताए जा रहे हैं। चीन में यह बड़ा हादसा हुआ है। गुआंगशी इलाके में यह विमान हादसा और दक्षिण चीन का यह वो इलाका जहां पर मीडिया ने, जो चीनी मीडिया है उसने इस हादसे की पुष्टि कर दी है। यह बड़ा विमान हादसा गुआंगशी इलाके में हुआ है। बोइंग 737 वो विमान जिसमें 133 यात्री सवार थे, हादसे का शिकार हुए हैं। बड़ी खबर दक्षिण चीन से आ रही है। पहाड़ के ऊपर उड़ रहे विमान में आग लग गई, जिसके बाद यह हादसे का शिकार हो गया। विमान हादसा दक्षिण चीन में हुआ है, गुआंगशी में क्रैश हुआ है यह प्लेन, बोइंग 737। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा हुआ होगा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। 133 यात्री बताए जा रहे हैं जो इस विमान में सवार थे। और गुआंगशी वो इलाका, पहाड़ों के ऊपर से यह विमान गुजर रहा था जब इसमें आग लग गई। चीनी मीडिया ने भी इस हादसे की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि चीन के गुआंगशी में यह बड़ा विमान हादसा, विमान में 133 लोग सवार थे, बोइंग 737 ये विमान बताया जा रहा है। चीनी मीडिया के हवाले से इस हादसे की पुष्टि भी हो गई है। डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दक्षिण चीन, गुआंगशी इलाका दक्षिण चीन में आता है, यहां पर यह हादसा हुआ है जिसमें 133 यात्री सवार थे। बड़ा प्लेन क्रैश चीन के गुआंगशी इलाके में, 133 यात्री इस प्लेन में सवार थे। बोइंग 737 हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था प्लेन जब इसमें आग लग गई और ये क्रैश हो गया। ये बड़ा प्लेन क्रैश दक्षिण चीन के गुआंगशी इलाके में हुआ है। विमान हादसा दक्षिणी चीन में, 133 यात्री कुल सवार इस प्लेन में, बोइंग 737 हादसे का शिकार।